अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन लॉलीपॉप एक्स्ट्रा क्रिस्पी, जो कि ये इतना क्रिस्पी बनकर तैयार होगा ना कि आप एक बार इसे बनाओगे तो आपका हर बार इसी मेथड से आपको बनाने का दिल करेगा। बिल्कुल भटियाला स्टाइल है, जिस तरीके से आप शादियों में चिकन फ्राई खाते हो या चिकन लॉलीपॉप खाते हो, बिल्कुल उसी टेस्ट के साथ आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 1 kg चिकन लॉलीपॉप ली हूँ, आपको ये शॉप पे इजीली मिल जाएगी। आप इस तरीके से इसे देखिए, ये इस तरीके से होती है। आपने तो कई बार खाया होगा इसे, और मैंने अभी से एक बड़े बाउल में रख ली हूँ। अब इसे हम पहले वॉश करेंगे। तो मैंने 2 tablespoon वाइट विनेगर इसमें मैं डालूंगी, और थोड़ा इसमें पानी डाल के इसे मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से अंदर तक पूरा वॉश हो जाता है, और इसे 15 मिनट छोड़ने के बाद में मैं इसे अच्छे से वॉश करके निकाल के ले लूँगी। और इसे मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ। अब इसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश करके ले ली थी। देखिए कितना क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमने इसे बॉईल करके लिया है। अब इसमें मैं 3 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी, और इसमें कुछ मसाले हैं जिसमें मैंने नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और तीखी लाल मिर्च है, और ये मैंने अजवाइन ली हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, बट इससे ही आपके जो लॉलीपॉप में या चिकन फ्राई में आप जिसमें भी यूज़ करते हो, इससे बहुत अच्छा सा पटियाला स्टाइल इसमें टेस्ट आता है और बहुत लाजवाब लगता है। अब इसमें मैंने एक लेमन जूस यूज़ करी हूँ लेमन का, और मैं इसमें फूड कलर डाल रही हूँ जो कि टमाटो रेड कलर है, जो तंदूरी में यूज़ होता है। इसे मैंने थोड़ा ज़्यादा मिकदार में यूज़ की हूँ, इससे ये बहुत अच्छा सा इसमें कलर आता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसमें अभी हमने पाउडर वगैरह नहीं डालना है, जो कॉर्नफ्लावर वगैरह हम डालते हैं। इसे मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, और फिर उसके बाद में जब हम फ्राई करने लगेंगे तब इसमें हम मिक्स करके उसे फिर हम अच्छे से फिर फ्राई करेंगे। इससे बहुत क्रिस्पी हमारा चिकन लॉलीपॉप बनता है। मैंने 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दी थी। अब इसके बाद में इसे मैंने निकाली हूँ, और देखिए ये अच्छे से इसमें हो चुका है। अब इसमें ये थोड़ा पानी है। अब ये हम इसमें 2 tablespoon चावल का आटा डालना है, उसके बाद में हम मैदा डालेंगे और कॉर्नफ्लावर पाउडर डालेंगे। अब इसके बाद में इसे मिक्स कर लेना है। अगर से आपको मिलाते वक्त चिकन में से ज़्यादा पानी निकला है तो आप इसमें चावल का आटा थोड़ा और इस्तेमाल कर सकते हो, 1 से 2 tablespoon के आसपास। फिर इसे मिला लीजिए, ये इस तरीके से ये पूरा पानी जो है इसका ये कवर हो जाएगा, और पूरे मसालों पे बहुत अच्छे से ये कोटिंग हो जाएगी। और मैंने अब ऑयल को अच्छे से फुल फ्लेम पे मैंने इसे गरम कर ली हूँ, फुल फ्लेम पे ही इसे गरम करना है। और अब मैं सारे चिकन के पीसेस को इसमें, लॉलीपॉप के पीसेस को डाल दूँगी, और इसे मैं फ्राई कर लूँगी। इसे हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे 1 time फ्राई करके हमें निकाल लेना है। इसमें बीच में बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है, बीच में चम्मच चला देने से जो मसाले होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। तो जब हमें लगता है कि ये मसाले इसमें बैठ गए हैं तभी हमें चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये देखिए इस तरीके से ये लग रहा है कि ये माशाल्लाह अच्छे से हो गया है। मैंने इसमें बीच में बिल्कुल भी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करी हूँ। अब ये हो चुका है, अब इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। देखिए ये माशाल्लाह हो चुका है, मैं इसे थोड़ा सा अलट पलट करूँगी और मैं अब इसे निकाल लूँगी। इसे बहुत ज़्यादा हमें अभी फ्राई नहीं करना है। इस तरीके से मैं जितने भी चिकन के सारे पीसेस हैं लॉलीपॉप के, हम उसे निकाल लेंगे। अब इसे मैं ये थोड़े थोड़े करके ये लॉलीपॉप के पीसेस निकाल लूँगी। देखिए देखने में ही कितनी मज़ेदार सी दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल है। अब ये मैंने सारे चिकन के लॉलीपॉप के पीसेस इसे निकाल लूँगी, और जो बचा हुआ है उसे दोबारा से इसे फ्राई कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, जब हम इसे दोबारा फ्राई करते हैं जो तेल है उसे दोबारा से फुल फ्लेम पे उसे अच्छे से गरम कर लेना है, क्योंकि ये फ्राई करते वक्त थोड़ा इसका जो
टेम्परेचर होता है थोड़ा कम हो जाता है तो दोबारा फ्राई करते वक्त उसे अच्छे से फुल फ्लेम पे गरम कर लेना है। अब मैं इसे बहुत अच्छे से फुल फ्लेम पे गरम कर लूँगी और फिर दोबारा से चिकन पीसेस डाल के सारे निकाल लूँगी। सारे चिकन के पीसेस फ्राई होने के बाद में हमने दोबारा से इसी चिकन के पीसेस को फ्राई करना है, लॉलीपॉप के पीसेस को फ्राई करना है। अब जितने भी बाकी बचे हुए लॉलीपॉप के पीसेस थे ये सब फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और मैं अपने तेल को फुल फ्लेम पे बहुत अच्छे से एकदम हाई गरम कर लूँगी। जैसे ही ये लगे बहुत अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा धुएँ वाला भी आपको गरम नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा इसमें से धुआँ निकल रहा है, आपको इतना ही गरम करना है कि तेल हमारा बस अच्छे से गरम हो चुका हो। और अब ये इसके बाद में जो ये फ्राई करे हुए पीसेस थे मैं इसे दोबारा डालूँगी और दोबारा डालने के बाद में इसे मैं 5 से 8 मिनट के लिए इस तरीके से वापस से फ्राई कर लूँगी। इससे ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और खाने में तो इसका स्वाद आप पूछिए ही मत, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अब ये इस तरीके से ये मैंने पीसेस को फ्राई करके निकाल ली हूँ, देखने में ही लग रहा है ना कितने क्रिस्पी है ये और देखने में कितने लाजवाब दिख रहे हैं कि देख के ही खाने का मन करेगा। अब जो बाकी के बचे हुए पीसेस हैं उन्हें भी फ्राई करके निकाल लेना है। इसमें भी आपको तेल को अच्छे से गरम करना है तभी ही इसमें डालना है। जितनी बार आपने चिकन के पीसेस को डालना है उतनी बार आपको तेल को अच्छे से गरम करना है। ये प्रोसेस की वजह से ही आपका चिकन का जो कोटिंग है वो अच्छे से इसमें बंधी रहेगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।